हाय गाइस, गुड मॉर्निंग दादा अतुल दादा। यस, मैं वो इंट्रो करने वाली थी। चलो कोई नहीं, अतुल दादा हाय बोल दो। हाय मैम, थोड़ा नीचे है, सॉरी मेरा कैमरा। हाय हाय अतुल दादा। जयेश, जयेश पहले भी मिल चुका है मेरी इंट्रो वीडियो में। एंड जूली दीदी, जूली दीदी हाय। सो हम आज मेकअप का व्लॉग करते हैं कि सोनाक्षी का लाइट मेकअप आप कैसे करते हो, ठीक है। और मैं थोड़ा डे व्लॉग भी कर रही हूँ गाइस। आई एम गोइंग टू शो यू आज मेरा दिन भर क्या होने वाला है। आई एम गोइंग टू पैक अप अर्ली और नॉट, बट मेन दिस व्लॉग इज मेनली अबाउट हाफ अबाउट सोनाक्षीज मेकअप एंड अबाउट उसके बाद घर जाके शुरू कर रहे हैं बेस से। दादा ने थोड़ा ऑरेंज डाल के मेरे डार्क सर्कल और थोड़ा ये सब कवर किया है। और नॉर्मल क्राइलॉन का ही बेस हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज डेली सोप के लिए और प्रॉपर कवरेज के लिए मेरे को भी क्राइलॉन पसंद है, दादा को भी क्राइलॉन पसंद है ना दादा। यस मैम। की डर्मा इधर कर लेती हूँ ऐसे। अब हम दादा से बात करेंगे थोड़ी। दादा कुछ आपको ज्ञान देना बेस का हल्का सा, जैसे कवर अप करने के लिए चीक अपने जैसे डार्क सर्कल्स है अपने अपना डॉटेड से उसके लिए अपने चीक शेड से अपन उसको कवर अप कर लेंगे पूरे प्रॉपर से। जेने करो चीक शेड माने ये वाला चीक शेड, इससे हम अपने डार्क सर्कल और ये सब कवर कर लेंगे। हल्का 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 लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाना, यानी कि रेडिश पूरा टोटल रेडिश होना है तो बेस पूरा रेडिश टोन हो जाएगा। राइट उसको प्रॉपरली कवर फिर डार्क दिखेंगे हम। हाँ। अगर हमने ज्यादा वो चीक शेड लगा दिया तो डार्क दिखेंगे हम। और हल्का हल्का ही लगाना, जाने करो थोड़ा सा मिक्सअप करना है कोई बेस से लेकर रेडिड जाने करो, ज्यादा टोन रेडिश टोन ना हो। वो अपने कवर अप करने के बाद उसके ऊपर बेस करेंगे, उसके ऊपर बेस जो भी आपको लगता है आपका सूट करता है। लाइक मेरे ऊपर 29 थोड़ा मैच करता है क्राइलॉन का, तो वो मैं 29 और कुछ एक दो और बेसेस के साथ मिक्स करके प्रॉपरली मर्ज करना बहुत जरूरी है। टैपिंग करना बहुत जरूरी है जेने करो अपना रेडी स्टोन जो है उसके ऊपर वो बैठे। तो बहुत इम्पोर्टेंट आपको लेसन मिल रहे हैं डायरेक्ट हमारे सेट के मेकअप दादा लोग से, बिकॉज आई थिंक द बेस्ट मैंने अभी तक जिससे भी मेकअप करवाया है वो टीवी के सेट। देख सकते हैं टीवी के मेकअप दादा से। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं टैपिंग कर रहा हूँ वही टैपिंग करना आपको रैश, मतलब ऐसे उसको स्पंज से ये नहीं करना। तो टैपिंग करोगे तो आपको बेस वो अपने आप प्रॉपरली रब नहीं करना। हाँ, है, टैप करना है। यस 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 मैम। पर दादा कितनी देर तक करते रहना ऐसे, मतलब प्रॉपर, मतलब जहाँ जहाँ अपने को ज्यादा लगे। अपन वैसे बेस तो ऐसे लाइट ही है अपना। हाँ, जहाँ सोनाक्षी का मेकअप बेसिकली लाइट ही है, ऐसा कुछ हैवी या डार्क चौकी नहीं रखना है। जूली दीदी दबा के मेरे क्रिम्पिंग कर रही है एकदम, मतलब खुले ना हफ्ते तक। सॉरी जूली दादा हो गई है। सो द टैपिंग इज डन एंड दादा ने ये पाउडर अपने हाथ में एकदम मस्त लगाया है, मला है। और ये पाउडर से थोड़ा पैक कर रही है। So that base set हो जाए। आईज में कौन से शेडो कर रहे हो? ब्राउन की कटिंग कर रहा और गोल्ड का शेडो अपना जो कंटिन्यूटी। तो आप ब्राउन और गोल्ड मिक्स करने वाले हो? यस मैम। ओके। आईज को शेप मिलती है ब्राउन कटिंग करने से, एक कटिंग करने से जो गोल्ड का शेडो करेंगे वो उठ के दिखेगा, इसकी वजह से अपन कटिंग कर रहे हैं उसको। तो आप पहले गोल्ड कर रहे हो या पहले ब्राउन शेडो? ब्राउन कर रहे हो। ओके, ये ब्राउन की कटिंग कर रहा, उसके बाद अपन बीच में गोल्ड डालेंगे तो ये उठ के दिखेगा उसके, ये अपनी कटिंग हो चुकी है। ओके, और बीच में आपने ये खाली छोड़ दिया है ना? यस, क्योंकि गोल्ड उस पे आएगा तो गोल्ड उस पे फिल होगा। हाँ, फिल होगा। अब ये गोल्ड आ रहा है, आई थिंक प्रॉपर आइज बंद करो। देखो उसका इफेक्ट आता है गोल्ड। हाँ, उठ के आता है। राइट, ये दोनों आईज का कटिंग और गोल्डन शैडो फिल हो गया अच्छे से, है ना दादा? हाँ मैम। सो अब आईज हमारी ये हो गया, शैडो पार्ट इज कम्प्लीट। शैडो पार्ट कम्प्लीट। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिन्हें करो कि ये दोनों को हाईलाइट मिल जाएगी। और हाईलाइट विद गोल्डन कर रहे हो? हाँ यस मैम। ओके, दिस पार्ट हाईलाइट कर रहे हैं।
आईब्रोज आपने स्टार्ट कर दिया ना, ब्लैक एंड ब्राउन हल्का हल्का मिक्स, हल्का हल्का मिक्स करना है। ब्लैक भी किया पर ब्लैक भी मिक्स किया, हाँ ब्लैक भी मिक्स किया। मैं पर्सनल करती थी तो सिर्फ ब्राउन करती थी, पर देन मेरे को ठीक से करनी नहीं आती। आई एम नॉट वेरी गुड इन डूइंग माई ओन मेकअप, मुझे भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। ऐसा प्रॉपर शेप आना चाहिए, मतलब कोई आप प्रॉपर अच्छे मेकअप दादा मेरा मेकअप करते हैं ना जैसे आप करते हो, तो मेरे फीचर्स अच्छे से एनहांस होते हैं। यस, मैं खुद करती हूँ ना तो एनहांस नहीं होते, तो ये होता है कि हाँ कवर अप कर दिया। और जिससे सबसे ज्यादा फीचर एनहांस हो जाते हैं ना दादा? यस मैम। लैश इट, लैश लैश। जयेश दिख रहा है कैमरे में? मैंने आईज क्लोज कर ली। हाँ। और पास लाओ ये पास। इट्स लुकिंग सो नेचुरल, दिस इज टैलेंट। Talent and wo, practice makes a man perfect, right Julie? Wrong. मेकअप एंड बेस इज डन, लास्ट टच अप्स हो रहे हैं ना, ड्राई कटिंग दादा? ड्राई कटिंग कर रहा हूं। अच्छा, बेस में आपने वो एनजी कटिंग कर दी थी? यस मैम। है ना? डार्क कटिंग, फाउंडेशन कटिंग कर चुका था मैं, अभी ये ड्राई कटिंग कर रहा हूं, जेने करो एनजी ब्लश ऑन में स्माइल करूं ना, इसमें ऐसे करूं? यस यस। Well guys, you must be thinking why am I smiling like mad here, but you need to smile when the makeup person is putting blush on you so that your cheeks are highlighted and he's able to spot your cheeks better and put the blush on in a much better way than normally. So yay, keep smiling. Plus, we are done now, makeup is done, lipstick is left. Yes राजा, आई थिंक 10 मिनट्स में आ जाऊंगी मैं बाहर। ठीक है मैम, हम लोग अंदर रेडी है मैम। ओके कूल, जस्ट लिपस्टिक इज लेफ्ट, मेकअप इज डन, दीदी इज डूइंग हर हेयर। सब रेडी है, सब वेट कर रहे हैं। आज अरे आधा घंटा भी हुआ नहीं, अभी कंप्लीट 5 मिनट में आ रहे हैं रवि। हाय हाय, मैं व्लॉग कर रही हूँ। कोई नहीं, बट या इट्स आवर फर्स्ट सीन टुगेदर। हाय आज आज सर दैट्स नावेद, हमारे शोज में भी। शर्लिन व्हाट आर यू डूइंग? पुटिंग लेंस ब्रो। ओ या, आई आल्सो वेयर लेंस, बट मैंने आज नहीं पहना। या तुम्हें लोगों ने लिया? हाँ नहीं नहीं, मैं नंबर लेंस पहनती हूँ तो आई हैव -2 ना, -2.5 थोड़ी वो। कभी तुम्हें दिखाई दे रही हूँ? मैं हमेशा लेंस पहनती हूँ, आज सुबह सुबह नहीं पहने, बट तुम्हें दिखाई दे रही हूँ हल्का फुल्का। ऑफ कोर्स दिखाई दे रही हूँ, कैसे बिना दिखे कैसे सीन करूंगी? मतलब मैं इतनी खूबसूरत दूर से दिख जाती हूँ। यस थैंक यू। हाँ हाँ, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप दूर से दिख जाते हैं और लंबी भी हैं। हाँ हाइट तो यहाँ पे सबकी बहुत ही ज्यादा है। आई थिंक दिस इज लाइक वन ऑफ द फ्यू शोज वेयर टॉल गर्ल्स आर हियर, एवरीवन इज टॉल, एवरीवन इज टॉल। सीन हो गया मेरा एंड आई एम जस्ट हैविंग माय ब्रेकफास्ट, हैविंग दिस सलामी सैंडविच, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सो आई होप आपको मेकअप जो हमने बताया, थोड़ी बहुत बेसिक टिप्स दी, आपको वो पसंद आया होगा। सी द मेकअप इज सो इंटैक्ट, ये हाफ अ डे तक तो इस मेकअप को कुछ नहीं होता है, मतलब टिल आफ्टरनून टिल लंच टाइम, उसके बाद भी थोड़ा टचअप चाहिए अगर कोई आपका मेकअप अच्छे से ढंग से कर ले तो। सो आई रियली लाइक द काइंड ऑफ मेकअप ही डिड,
बाद में एंड में ये नीचे से उन्होंने गोल्डन और ब्राउन टच भी दिया है. वेरी सिंपल बेसिक ड्यूई मेकअप जिसे कहते हैं ना, वेरी नाइस मेकअप. सो यू गाइस ऑल्सो ट्राई दिस आउट एंड आई एम श्योर विद प्रैक्टिस एंड विद एवरी डे और एवरी सेकेंड डे इफ यू ट्राई इफ यू डू प्रैक्टिस यू विल गेट गुड इन इट. यस एंड गिव मी योर फीडबैक इन द कॉमेंट्स. सो सरप्राइज यही था कि मेरा पैकअप हो गया है. आज जल्दी पैकअप होना था मेरा एंड नाउ आई हैव टू गो एंड सरप्राइज माई वेरी डियर फ्रेंड जो कि इस वक्त प्रेगनेंट है. और उसके लिए मैं कुछ छोटा सा केक या समथिंग आई वॉन्ट टू टेक समथिंग फॉर हर बिकॉज बहुत क्रेविंग्स होती हैं. एंड लेट्स सी हमें क्या मिलता है रास्ते में. एंड शी डजंट नो आई एम कमिंग. आई एम गोइंग टू सरप्राइज हर. यस सो दैट is going to be all about my day today. I showed you my makeup, Sonakshi's makeup, and now I am going to go surprise my very dear friend. He doesn't know Monday is made with all the this jalebi and khandvi and this pretty face. My baby, she doesn't want to show her face because she's not feeling well and she's also upset kyunki main uske liye sab le aayi, right? Sab le aayi main uske liye. Mujhe kuch interesting lana chahiye tha. Cake dekha boli cake lana chahiye tha mujhe iske liye. So anyway guys, I am treating myself to this amazing jalebi and khandvi right now and signing off because I'm gonna chill with my friend. Aur thoda to hum kya karenge? Masti karenge. Bye. See you soon guys. Bye.